यही पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। भगवत गीता 700 वर्सेस की है और जो योग वशिष्ठ है उसमें कितने वर्ष है पता है? 32,000, 32,000 वर्सेस। ब्रह्म को समझने के लिए, उसको जीने के लिए हमें बहुत कुछ अभी सीखना है, जानना है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, जानेंगे, भविष्य में तो हमारे हम भी ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम समान बन जाएंगे। गीता पढ़ रहे हैं, कृष्ण समान बन जाएंगे, जो अपने परम स्वभाव को, अक्षर ब्रह्म को जी रहे हैं। रामनवमी, भगवत गीता, ये सिर्फ सिर्फ व्हाट्सएप पर विश करने के लिए नहीं है हैप्पी रामनवमी, ये याद दिलाने के लिए है कि हमारी भी गति यही है, हमारी परम गति यही अवस्था है, यही स्थिति है। अपने आप को जगाए जो शाश्वत है उसके लिए होती। चलिए अब भगवत गीता को सुनने और समझने में आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में इस अक्षर ब्रह्म योग के अध्याय में शुरुआत में सवाल पूछते हैं अर्जुन कृष्ण से कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। तो उसके जवाब में कृष्ण ने कहा कि जो मेरा परम स्वभाव है अक्षर ब्रह्म, इसको जानना ही अध्यात्म। फिर पर्यान काल में, मृत्यु काल में, अगर उस ब्रह्म का भाव हो, उस ब्रह्म का स्मरण हो, तो शरीर छोड़ते समय हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं, इसकी भी बात हुई। और इसमें योग धारणा का अभ्यास और इसके द्वारा अपने मन को हृदय में अवस्थित रख, रोक लेना, हार्ट सेंटर्ड लाइफ जीना, और अपने प्राण को अपने सहस्त्रार में स्थिर कर लेना। ब्रह्म रंध्र जहां से महाप्राण उतरता है वहां पे हमारा अवेयरनेस, अटेंशन स्थिर हो जाए। योग धारणा के अभ्यास से यह पॉसिबल है। और आगे बात कर रहे हैं, ब्रह्म लोक की पुनरावृत्ति के बारे में। ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो तो है कि 1,000 दिन होते हैं ब्रह्मा के दिन में, ब्रह्मा के युग में 1,000 युग होते हैं, जो हम जिस जिस समय ब्रह्मा का जो जीवन है, ब्रह्मा का जो दिन है, पृथ्वी की तुलना में वो कई गुना है, कई गुना बड़ा है। टाइम लाइन, टाइम फ्रेम इज नॉट सेम इन डिफरेंट डायमेंशन, इन डिफरेंट लोकास। यह बात तो एक हम अच्छे से समझ लें। तो टाइम इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, टाइम इज ए टेम्पररी कंसेप्ट, यह बात भी समझिए। जैसे ये शरीर एक भ्रम है, एक टेम्पररी व्यवस्था है,
वैसे टाइम भी एक टेम्पररी व्यवस्था है धरती लोक पर। हमें यह समझना है टाइम का कैलकुलेशन जो लिटरल सेंस में किया जाता है एग्जैक्टली वैसा नहीं है कि ब्रह्म लोक धरती लोक का हजार गुना है। समझने के लिए इट्स ओके, इट्स फाइन। और यहां पर 8-16 में जो बात आ रही है, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्ति अर्जुन, ब्रह्म लोक तक पुनरावृत्त होते हैं, ब्रह्म लोक तक पहुंचे हुए आत्मा दिव्य आत्मा भी जन्म लेती है। इसका एक साधनागत मीनिंग भी है, डीप मीनिंग भी है कि जब आपके पास इच्छा हो कि मुझे तो भाई मुक्ति चाहिए, मुझे तो भाई ब्रह्म चाहिए, तो आपके इस चाहने मात्र से आप मुक्त नहीं होते, आपकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, जन्म होता रहेगा। लेकिन जो मेरे पास आता है, भगवान के पास जाने का क्या मतलब है? भगवान के लिए जीवन जीना, सृष्टि चक्र के अनुसार जीवन जीना, आप भूल जाएं जन्म से मुक्ति की बात को और इस विराट सृष्टि में हमारा, इस विराट सृष्टि के हम अंश हैं और ये विराट ब्रह्म जिस तरह से अपना चक्र चला रहा है उसके साथ हम एक हो जाएं, एकत्व महसूस करें, उसके साथ ही बहें, वो जो कर रहा है, करना चाह रहा है वो हम करें, उसमें हमारा जो रोल है, जो स्वधर्म है उसको निभाएं। अगर हम उसको करने में लग जाएं तो पुनर्जन्म नहीं है। ब्रह्म लोक की इच्छा से आप पुनरावृत्ति से मुक्त नहीं होंगे। लगता है ऊपर से कि मैं बस अब ये मुक्त हो जाऊं, मैं मुझे अब धरती पर नहीं आना, बहुत सारे बिगनर स्पिरिचुअलिटी बिगनर्स लोगों का ये भाव आ जाता है कि अब तो धरती पर जन्म नहीं लेना, बस मुक्ति दे दो भगवान। मुक्ति मांगने से, मुक्ति सोचने से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके साथ जो परम है, उसके साथ एक होने से, उसके साथ जीवन जीने से, उसके लिए जीने से, फील द गॉड, बी विथ गॉड, वर्क फॉर गॉड, लिव फॉर गॉड, वर्क विद गॉड, वर्क विद डिवाइन, जो मुझे उपलब्ध हो जाता है, मामू पेत्य तू कौन ते या पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरे लिए जीता है, जो मेरे साथ रहता है, मेरे 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 रेजोनेंस में है, उसका पुनर्जन्म। मुक्ति की इच्छा से आप मुक्त नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे ब्रह्म को, ब्रह्म के सृष्टि चक्र को, और इस सृष्टि चक्र में आपके धर्म को, स्वधर्म को, और उसका पालन से, उसके साथ एक होकर उसके साथ चलने से आप मुक्त हो सकते हैं। पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः। सहस्रयुगपर्यन्त मर्हयद् ब्राह्मणो विदुः, जो ब्रह्म को जानते हैं वो ये जानते हैं कि जो ब्रह्मा का दिन है वो सहस्त्र युग वाला है। जो ऐसा जानते हैं वही वास्तव में जानते हैं। ते अहो रात्र विद्या, रात्र और दिन के जानकार, जानने वाले वही हैं जो इस बात को जानते हैं कि टाइमलाइन इन डिफरेंट डायमेंशन आर नॉट सेम। ब्रह्मा का टाइमलाइन
अर्थ के टाइमलाइन के रेस्पेक्ट में कई मल्टीफोल्ड है, सहस्त्र युग है कि नहीं है, हजार गुना है या 2000 गुना है या 1500 गुना है, ये तो जब हम उतरेंगे तब पता चलेगा। इट्स नॉट कि ये लिटरली सेंस में ऐसा लेना है जो बहुत सारे पुराणों में दे दिया जाता है। उसकी व्याख्या भी होती है, ब्रह्मा का युग इतना, तो ऐसा नहीं सोचना है। टाइमलाइन सेम नहीं है, ये बात तो है, हम सिंपल में भी समझें तो रात में सोते हैं, थोड़ी देर के स्वप्न में हम लंबा स्वप्न देख लेते हैं। टाइमलाइन सेम है क्या? हमारे जगने में और हमारे स्वप्न में? तो ये इस यह बात जब समझ में आ गई और फिर जब हम साधना में डीपर डिफरेंट डायमेंशन को, हायर डायमेंशन को फील करते जाएं, तो डिफरेंट डायमेंशन में भी टाइमलाइन एक जैसा नहीं है। एस्ट्रल में अलग है, एस्ट्रल के अलग अलग लेयर्स में अलग है, और कॉजल में है ही नहीं। कॉजल के बियॉन्ड, कारण के बियॉन्ड टाइमलाइन टाइम है ही नहीं। जैसे अपने आप को शरीर मानना एक भ्रम है, वैसे समय के बारे में सोचना एक भ्रम। जब तक धरती लोक पर हम जी रहे हैं तब तक हमारे समय है, सूक्ष्म में जाएंगे समय इस तरह से नहीं है, ब्रह्मलोक में जाएंगे समय इस तरह से नहीं है, और ब्रह्मलोक से ऊपर जाएंगे पर ब्रह्म में जाएंगे तो समय ही नहीं है। हाउ इंटरेस्टिंग, हमारे लीनियर माइंड को, लॉजिकल माइंड को ये ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। साधना की गहराइयों में उतरते रहें, आपका यह अनुभव बनेगा। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः अहरागमे। अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है, प्रभव उद्भव प्रकट होता है, निकलता है। अहरागमे प्रहर, अहर प्रहर की शुरुआत में, प्रातः काल के शुरुआत में, दिन के शुरुआत में अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है, और जब रात आती है रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तब प्रलय हो जाता है, विलीन हो जाता है, जो व्यक्त है वो अव्यक्त में। तो व्यक्त और अव्यक्त का ये जो साइकिल है इसको दिन की शुरुआत और रात का आगमन, अगर हम कॉन्शियस नहीं है फंडामेंटल कॉन्शियसनेस के लिए तो हमारे जीवन की यही गति है, आना जाना, अव्यक्त से व्यक्त होना और फिर विलीन हो जाना। अगर हम महसूस करते हैं परब्रह्म को, फंडामेंटल कॉन्शियसनेस को, तो याद कीजिए जब भगवद गीता का दूसरा अध्याय शुरू हुआ था, ना जायते मिर्यते वा, मेरा ना जन्म है ना मृत्यु है। विरोधाभासी बातें लग सकती हैं कि यहां पर कह रहे हैं कि जीवन के दिन के शुरुआत में अव्यक्त से व्यक्त प्रकट हो रहा है और फिर विलीन हो रहा है, और उधर बात कह रहे हैं कि जन्म नहीं है मृत्यु नहीं है,
थिंग इज कि किस तल पर यह बात बोली या समझी जा रही है. वी आर फंडामेंटली कॉन्शियसनेस. हम उसको महसूस करें तो हमारा जन्म मृत्यु नहीं है. नहीं तो दिन के शुरुआत में, ब्रह्मा के दिन के शुरुआत में अव्यक्त से व्यक्त का उद्भव है. नहीं दिखने वाली वाली दुनिया से दिखने वाली दुनिया पृथ्वी प्रकट होती है और रात्रि के आगमन पे संपूर्ण दिखने वाला जगत उस नहीं दिखने वाले जगत में विलीन हो जाता है. इसको हम अपने दैनिक जीवन में अगर थोड़ा सा कोलेट समझने करें समझने के लिए, तो दिन की शुरुआत होती है, सब तरफ लोग उठ जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं, दिखने लगते हैं, रात आती है, फिर सभी सो जाते हैं. तो जब सो गए तब हम कहाँ गए? जो शरीर चल रहा था, बोल रहा था, खा रहा था, वो कहाँ गया? जो बोलने वाला है, जो खाने वाला है, वो कहाँ प्रलीन हो गया, कहाँ विलीन हो गया? तो चिंतन करें, कहाँ जाती है हमारी आत्मा या चेतना जब हम सो जाते हैं? तो अभी हमें पता नहीं है. कोई चीज हम रोज देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमें तो पता है. पता है क्या वास्तव में? आप क्यों सोते हैं, आप क्यों जगते हैं? डॉक्टर बोल देंगे आराम करने के लिए. अरे आराम करते हो तो लेट के आंख बंद करके आराम करो. आराम ही अगर सिर्फ बात है तो हम विलीन क्यों हो जाते हैं? हमें पता क्यों नहीं चलता अपना? साधारण से जीवन में अगर हम महसूस कर सके, कई सारे रहस्य हैं और सभी रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर आपको निद्रा समझ में आ जाए कि जब हम सोते हैं तो क्या होता है, तो आपको ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी समझ में आने लग जाएगी, उसके नजदीक पहुंच जाएंगे. कोई चीज रोज हो रही है, रोज हम उसको कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमने उसको समझ लिया, ऐसा नहीं है. हम रोज खाना खाते हैं, भोजन करते हैं. भोजन पेट में कैसे जाए, कैसे पचता है, हमें पता है क्या? भोजन से ऊर्जा कैसे निकलती है? नहीं. तो जो हो रहा है उसी के प्रति हमको जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है. जब प्रयाण काल में, निद्रा में आप प्रवेश कर रहे हो, अपने हृदय पर केंद्रित हो और उसके बाद अपने प्राण को अपने मूर्धन्य में, भूमध्य में और मस्तक में स्थिर करने का प्रयास करें. वो हो जाए तो आप मुक्त हो सकते हैं. मुक्ति मांगने से मुक्त नहीं होंगे, जो हो रहा है उसको समझने से, जो होना है उसको होने देने से, जो करना है उसे करने से, जो स्वधर्म निभाना है उसको निभाने से, सृष्टि चक्र में अपना रोल अदा करने से, उसके साथ एक हो जाने से मुक्त हो सकते हैं. यहाँ पर जो साधक मुक्ति के भाव से आए हुए हो, उनको थोड़ा सा आज डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है. ये क्या बात हुई, क्या मुक्त भी नहीं हो सकते? मुक्त तो हम होना ही है, लेकिन उसका ढंग, उसका तरीका भगवद गीता को हम अच्छे से पढ़कर समझकर अपना लें. भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे. सेम श्लोक जो लास्ट में है, अव्यक्त से व्यक्त प्रकट होता है, यहाँ पर आ गया है कि जीव जीव आता है और फिर विलीन हो जाता है, प्रलीन हो जाता है. दिन के आने पर और रात्रि के आने पर
दिन के आने पर वो प्रकट होता है, प्रभाव होता है, और रात के आने पर वो प्रलीन हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है, रात्रि आगमे अवश्य, रात के आने पर अवश्य, असहाय, वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। हमको जब दिन हुई तो जन्म लेना है, रात हुई तो सो जाना है। वैसे आजकल अनफॉर्चुनेटली इंसोमनिया इज क्वाइट कॉमन, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी ठीक ठाक हो तो रात होती है, सोने का वक्त होता है, तो नींद हमें आने लगती है, हमारे वश में नहीं रहता। आप कॉफी पीकर कुछ कुछ करके आप नींद को मुश्किल से पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन पोस्टपोन करते हुए भी आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। हम अवश में हैं, हम असहाय हैं, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। इस बात को समझेंगे तो फिर हम जानेंगे कि क्या है जो कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, जो कॉन्शियसनेस है, हम उसको कैसे महसूस करें, उसके साथ अट्यून कैसे हो, ब्रह्म के साथ कैसे जुड़े। रात आने पर हमारा विलीन हो जाना, सो जाना हमारे वश में नहीं है। निद्रा को मुक्ति की बात करने वाले निद्रा को भी अगर जीतने की कोशिश करें तो एक बात है, डेवलप मास्टरी ओवर स्लीप। अभी तो नींद आती है, नींद का समय आता है तो हम बस रुक जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कहां जाते हैं कुछ पता नहीं, हम असहाय हैं, वी आर एट मर्सी ऑफ नॉन फिजिकल एस्ट्रल बीइंग्स, स्पिरिट गाइड्स। ऑल्दो दे आर बेनेवोलेंट, दे आर कंपैशनेट, सो दे हेल्प ओनली, लेकिन अगर कभी किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हो, कुछ पास्ट कर्माज ऐसे हो, तो नाइट टाइम आर मोर रिस्की। तो इसीलिए ब्रह्म का मुहूर्त जो है उसमें ध्यान करने को सबसे अच्छा माना जाता है कि दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट। वैसे अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप जो आपकी ध्यान मंडली है, ध्यान संघा है, उससे जुड़े हुए हैं, जिससे ध्यान सीखा है उससे जुड़े हुए हैं, तो इन जनरल घबराने डरने की कोई बात नहीं है, हम रात काल में भी आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन जो अकेले कोशिश करते हैं, कभी कभी किसी का होता है कि मैं अकेला ही करूंगा, एकलव्य गुरु की मूर्ति बना के अकेला ही कर रहा है, ऐसे उसने भी गुरु की मूर्ति बनाई हुई है। तो अगर कोई ऐसे स्वभाव के हो कि मुझे तो खुद से करना है, खुद से करना है, तो वैसे साधक रात में ध्यान ना करे। कोई डराने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी समटाइम्स सम अनयूजुअल एस्ट्रल एक्सपीरियंस मे हैपन। डे टाइम, मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट फॉर मेडिटेशन, दैट्स व्हाई। भगवद गीता की बात हो रही है तो मैं ज्यादा रेयर फिनोमेना के बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी समझिए रात से ज्यादा अच्छा दिन ब्रह्म मुहूर्त है ध्यान के लिए। हम वश में नहीं है, हम असहाय हैं, नहीं समझते, नहीं जानते अभी क्या हो, दिन क्यों होती है, रात क्यों होती है, दिन के समय हमारी क्या गति है, रात के समय में क्या गति है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तवास्तु भावो अन्येन अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः। जो अव्यक्त है उससे भी परम भाव में कोई और अव्यक्त है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है समझनी, थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। जो हम अव्यक्त जानते हैं, जो हम सूक्ष्म जानते हैं, उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कुछ है। जो एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस एस्ट्रल मास्टर के प्रति थोड़े ज्यादा फैसिनेटेड हो गए हैं, उनके लिए तो ये विशेष बात है कि जो अव्यक्त है उससे भी परम भाव में कुछ और अन्य अव्यक्त है। एस्ट्रल के बियॉन्ड कॉजल है, कॉजल के बियॉन्ड सनातन है। कॉजल के लेवल पे भी हम हमारे हिसाब से है, हमारे लिए है। इवन एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड आर नॉट परमानेंट। वॉट एवर एक्सपीरियंसेस वी गेट इन मेडिटेशन सम एस्ट्रल मास्टर्स दे आर नॉट परमानेंट। जो सनातन है, जो हमेशा हमेशा है, वो ब्रह्म, वो पर ब्रह्म, हम उसके प्रति जागे। सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सभी भूतों का नाश होता है। स न विनश्यति, जो अव्यक्त से भी परम अव्यक्त है उसका विनाश नहीं होता। फिजिकल बॉडी डाइज, एस्ट्रल बॉडी डाइज। व्हाट डजंट डाई अवेक टू डेथ। हमको भौतिक शरीर हमारा मरेगा, इस कोरोना काल में कुछ डर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे भी मरते रहते हैं, तो ये बात तो हमें पता है कि शरीर मरता है। शरीर से सूक्ष्म जो सूक्ष्म शरीर है वो भी मरता है। सूक्ष्म के बियॉन्ड, अव्यक्त के बियॉन्ड एक और अव्यक्त है जो सनातन है। सभी भूत जीवों के नाश होने पे भी उसका विनाश नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को जानो, उसके जानने वाले की परम गति है। अव्यक्त अक्षरो इति युक्त तम आहु परमाम गति। अव्यक्त से भी हायर जो अव्यक्त है, जो अक्षर है जिसका क्षरण नहीं होता, अक्षर ही अक्षर में ही मीनिंग है नॉन पेरिसिंग। इति उक्तः तम आहु परमाम गति, उस परम को, परम लक्ष्य कहा गया है। इस अक्षर को जानना, जीना परम गति है। द हाइएस्ट इज नोइंग दैट अक्षर ब्रह्म। यम प्राप्य न निर्वन्तते तद्धाम परमम मम, जिसको प्राप्त करके निवर्तन पुनर्जन्म नहीं होता वही मेरा धाम है, वही परम धाम मेरा है। पर ब्रह्म के तल पर अभी कृष्ण बात कर रहे हैं। मेरा जो लोक है, मेरा जो धाम है वो अक्षर ब्रह्म वाला है, जिसको पाना सबसे परम गति है, और उसको पाकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ना निर्वंतन्ते, फिर ब्रह्मा का दिन हो या रात हो तो भी
हमारा जन्म नहीं है। अभी हमारा जन्म हमें दिखता है और उस पर हमारा वश नहीं है। हम क्यों जन्म लिए हमें पता है? नहीं पता। कंट्रोल है? नहीं कंट्रोल। कब हम ये शरीर छोड़ेंगे? कंट्रोल है? नहीं कंट्रोल है। हम अवश्य हैं, हमारे वश में नहीं है। इन बातों को अगर हम रिलाइज करने लगे और उस अक्षर ब्रह्म को जाने जो अव्यक्त से भी परम है, तो फिर मुक्ति संभव है। मुक्ति सिर्फ चाहने से, सोचने से, बोलने से संभव नहीं है। पुरुष सह पर पार्थ भक्तया लभस्तनु अनन्या यश अंतःस्थानी भूतानि एन सर्वम इदम ततम। जिस परम पुरुष से पूरा सृष्टि है। नाउ दिस पुरुष इज नॉट पुरुष जेंडर, ये कॉन्शसनेस के लिए प्रयोग यहां पर हो रहा है। सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति दो चीज आए। हर जगह पर जो चैतन्य है वो पुरुष है, इसलिए शरीर के भीतर भी वो पुरुष ही है। पुरुष का मतलब यहां पर कॉन्शसनेस है। पुरुष उस परम पुरुष को प्राप्त जो सर्व जगह व्याप्त है, सर्वम इदम ततम, पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभस्तनुया यस्य अंतःस्थानी भूतानि एन सर्वम इदम ततम। जिस परम पुरुष से ये सब कुछ है, एन सर्व इदम ततम, उसको डिवोशन, सरेंडर से उसमें व्याप्त हुआ जा सकता है। हमारा सरेंडर मांगने वाला ना हो, जानकर अनुभव वाला हो कि सब कुछ तो वही है। अगर सब कुछ वही है, हम उससे अलग हो ही नहीं सकते, उससे अलग कुछ कर ही नहीं सकते। ये अलग का ख्याल एक भ्रम है, सेपरेशन इज ए इल्यूजन। जब हम इन बातों को समझने लग गए तो भक्त बन जाना और जो भक्त बनने पर पा लेना होता है, उस परम पुरुष को सरेंडर से, डिवोशन से हम उसको पा लेते हैं। लभ्य यत्र काले त्वनावृति आवृतिम चैव योगिनः पर्याता आंति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभः। अब जन्म पुनर्जन्म की बात बताने के बाद कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब मैं उस काल के बारे में बताऊंगा जिस काल में योगी जाता है, और वैसा जाता है कि जिससे उसकी आवृत्ति रिटर्न जर्नी नहीं है, वन वे टिकट। योगी कैसे लेता है वन वे जर्नी कि फिर उसका आना नहीं होता? मैं उस काल के बारे में तुमको कहूंगा, तुम्हें कहता हूं। भरत सर्वभ अर्जुना कपरायजी
मैं उस काल के बारे में तुम्हें कहता हूं जिसमें योगी जाता है और फिर जाता है बस आता नहीं। फ्रीडम फ्रॉम द कंपल्सरी साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, वो किस काल में होता है, व्हाट इज द वे ऑफ वन वे टिकट, उसके बारे में मैं अब तुम्हें कहने वाला हूं। आगे की बात हम कल देखेंगे। जो बातें हमने सुनी है उससे कनेक्टेड रिलेटेड ही बातें आएंगी, लेकिन ठीक है, थोड़ा 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 सा अलग हो जाता है श्लोक में, ज्यादातर बात तो सेम रहती है। तो भगवद गीता का अध्ययन, चिंतन, मनन हम करते रहें, इनको अपने जीवन में आत्मसात करें, समझें, चाहे लेकिन सही ढंग से। सिर्फ चाहने मात्र से गति नहीं होती, जानने से, वैसा जानना जो परम गति की ओर ले जाए। आज हमने कल के ही श्लोकों को रिवाइज किया क्योंकि ये थोड़ा गहरी बात है। जब कभी आपका ध्यान गहरा हो, जब आपको लगे आह क्या मेडिटेशन हुआ, उस दिन आप ये 8:16 और 8:18 रीओपन करें। कल भी मैंने बात बताई थी, लिख लीजिए अपने गीता में ही 8:16 and 8:18, ये मुझे रिविजिट करना है। तो आपको जो इसके डीप मीनिंग है, जो इनर मीनिंग है, वो समझ में आ सकते हैं। भगवद गीता उसके श्लोक को शुद्ध उच्चारण से ज्यादा जरूरी बात है कि उसके मीनिंग को हम समझ लें और जिए। ठीक है, उच्चारण भी करना आता हो अच्छी बात है, संस्कृत में थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, करने से होता है, कोई भी चीज बार बार करने से होता है, हम नहीं करते हैं इसलिए हमारे लिए मुश्किल है। तो सवाल आए हैं चैट में, पहले सवाल एस्ट्रल से रिलेटेड है, जिन्होंने एस्ट्रल के बारे में पूछा है। देखिए, मैं ब्रह्म को महसूस करने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी हूं, साइंटिस्ट भी हूं, और रेफरेंस के साथ बात करना पसंद करता हूं ज्यादातर। तो एस्ट्रल के बारे में, एस्ट्रल का हिंदी जानना चाहते हैं। योगी कथा अमृत पुस्तक है परमहंस योगानंद की, वो पुस्तक आपके पास है, उस पुस्तक को खोलिएगा। उसमें एक चैप्टर है श्री युक्तेश्वर का पुनरुत्थान, रिसरेक्शन ऑफ श्री युक्तेश्वर, उसको धीरे धीरे आराम से पढ़िएगा, सूक्ष्म की हिंदी आपको समझ में आ जाएगी। एक और सवाल है कि रात में अगर नींद नहीं आए तो क्या हमें ध्यान में बैठना चाहिए या सिर्फ ग्रुप मेडिटेशन में ही रात में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, अगर ग्रुप मेडिटेशन का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो बेटर है, बिगनर्स के लिए ग्रुप मेडिटेशन इज गुड। हाँ, जो उच्च साधक हो गए तो अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके पास एस्ट्रल मास्टर आए बिना बुलाए। कबीर का दोहा, कबीर कहते हैं, जब तक मैं हरि को ढूंढता था, मैं हरि हरि कहता रहता था, हरि मुझे नहीं मिला, और जब मैं शांत होकर बैठ गया तो हरि अब कबीर कहता कहता मेरे पीछे आता है। बिगनर के लेवल पे हम चाहते हैं कि भगवान दर्शन दे दो, दर्शन हो जाए कृष्ण भगवान के, शिव भगवान के, या अलग अलग। जब तक आप हरि हरि कहते रहते हैं
मिल भी जाता है कभी कभी, ध्यान अच्छे हो जाने की वजह से, आपकी मांगने की वजह से तो नहीं मिलता। लेकिन अगर आप उतर गए साधना में, शून्य में, तो शून्य में दिव्यता का अनुभव है। दिव्यता का अनुभव जब होता है तो हम फील करते हैं कॉन्शसनेस को, हम फील करते हैं कॉन्शसनेस के मास्टर्स को, एस्ट्रल मास्टर्स, कॉजल मास्टर स्वतः हमें दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। विदाउट इन्वोकेशन यू कैन फील, देयर इज नो अदर वे, कुछ और है ही नहीं। जो सूक्ष्म जगत है, जो कारण जगत है, वो दिखने लग जाएगा, महसूस होने लग जाएगा। पहले सूक्ष्म होगा और फिर कारण होगा। तो आपके एक मेयर थॉट से भी जब ऐसा बाउंड्री का बात, तो यहाँ पे हम समझने के लिए हम करते हैं एस्ट्रल एंड कॉजल, कोई एग्जैक्ट कोई चाइना वॉल तो नहीं है बीच में, यहाँ यहाँ तक एस्ट्रल है और इसके बाद कॉजल। हाँ, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की बात है तो हाँ, अगर बॉर्डर 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 एरिया में है और फिर उस समय अगर आप याद करते हैं तो फिर जुड़ना के अधिक संभव हो जाता है। लेकिन उसमें भी आपकी साधना निर्भर करेगी, आपके कर्मा निर्भर करेगी। सभी को होते हैं ऐसा नहीं है, सबको होंगे ऐसा नहीं है। तो अगर रात में अकेले ध्यान में बैठना है तो किसी भी नॉन फिजिकल गुरु, योगानंदा, स्वामी रामा, ओशो, कबीर, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण, किन्हीं भी जिनसे भी आप रेजोनेट होते हैं, उनको प्रार्थना करके कि मैं ध्यान में प्रवेश कर रहा हूं, मेरे साथ रहें, मेरा मार्गदर्शन करें। तो अगर आप किसी भी गुरु के संरक्षण में हैं, उनकी याद, उनको, उनके साथ हैं, तो आप हर जगह प्रोटेक्टेड, सुरक्षित। एस्ट्रल, लोअर एस्ट्रल से कुछ प्रभावित होने की, डरने की संभावना फिर नहीं है। तो रात में ध्यान में बैठ सकते हैं, लेकिन फिर पिरामिड रखिए और किसी भी एस्ट्रल मास्टर से जिनसे आप रेजोनेट करते हैं, उनसे प्रार्थना करके फिर ध्यान में बैठिए। बेस्ट इज ब्रह्मोत, जिनके पास कोई टाइम का ऑब्लिगेशन नहीं है, वो सुबह में ध्यान में बैठे, प्रातःकाल। आपके ऐसे कोई मित्र हों जो अभी हम यहाँ पर सुबह 6 बजे मिलते हैं, इससे भी पहले अगर ध्यान में बैठना चाहते हैं तो हरियाणा में पीएमसी हरियाणवी यूट्यूब चैनल है हमारा, हमारी दूसरे मास्टर संगीता नेहरा मैम और अदर्स, वो 3 to 6 ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन शुरू किया है। तो वैसे तो आप यहाँ पे जुड़े हैं तो आपके लिए 6 AM इज कंफर्टेबल, ऐसी बात समझ में आ रही होगी। या आपके सर्कल में कोई ऐसे हो 3 बजे ध्यान में बैठना चाहते हैं, 4 बजे बैठना चाहते हैं, 5 बजे बैठना चाहते हैं, तो वी हैव वन मोर ऑप्शन, पीएमसी हरियाणा। वी आर लिविंग इन गोल्डन टाइम, इतने ऑप्शन, आप किस तरह से बैठना चाहते हैं, अध्यात्म करना चाहते हैं, वी हैव, आप कर सकते हैं। तो पता नहीं कैसे लोग इसको कलयुग कह देते हैं, सतयुग से भी बेहतर युग हम बना सकते हैं। हम जो भी हम सुन रहे हैं अध्यात्म की बातों को, उसको जीना शुरू करें, उसको अपने व्यवहार में लाएं, अपनी वाणी में लाएं। पर ब्रह्म और चक्रा को कोरिलेट करना ऐसी बात है कि क्या हम प्रधानमंत्री को यहां पर नाली साफ करने के लिए, मेरे गली में रोड पे कचरा है, नाली जमा कर रही है,
तो क्या मैं प्रधानमंत्री को कॉलेट कर सक को कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, क्या मैं उन्हें मैसेज में करूं? चक्र बहुत हमारे इथरिक बॉडी के लेवल पर की बात है, बहुत नीचे लेवल की बात है, अन्नमय कोष से जस्ट थोड़ा सा सूक्ष्म गए तो चक्र है, पर ब्रह्म तो बहुत उच्च कोटि की बात है। जब पर ब्रह्म महसूस होने लग गया तो भूल जाए चक्र को, ये मिडिल स्कूल की बात है चक्रों के बारे में बात करना। हाँ, बहुतों को मिडिल स्कूल की जरूरत है, उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि ग्रुप में जब सिखा रहे हैं तो मिक्स क्राउड है। जब पर ब्रह्म महसूस होने लग गया तो क्या चक्रा, अरे अगर आपको ब्रह्म की परब्रह्म की अनुभूति है ना, आप किसी को सोचेंगे और बोलेंगे कि उसका सातों चक्र संतुलित हो, चाहे आप कितने भी डिस्टेंस पे हो, आपके सोचने मात्र से दूसरे का चक्र बैलेंस में लग जाएगा। हाँ, थोड़ा उसके कर्म भी ठीक ठाक होने चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल हो ही जाएगा। पर ब्रह्म सबसे बड़ी बात है, सबसे महान बात है अध्यात्म, वहां पर आगे तो अब चक्र छोड़िए, ट्रिवियल थिंग्स। हम नहीं समझते हैं, इसीलिए बस हम उसको अलमीरा में रखते हैं, भगवत गीता को पढ़ने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, हमारा जो पॉपुलर सोशल कंसेप्ट है सब क्रैश कर जाएगा, इसलिए हम उसको संभाल रखते हैं। भगवत गीता बस पूजने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ेंगे सब पहले के कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट आपके हिल जाएंगे, टूट जाएंगे। आज का परमिशन लिया जाए, बताइए चैट में क्या परमिशन हो। अगर इनको बोलकर कुछ बोलकर करना है तो हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा। कल का परमिशन क्या था वो तो लिख दिया यस्टरडे, लेकिन यस्टरडे का भी परमिशन याद नहीं हो तो फिर ध्यान सभी के लिए सभी करते ही है। अगर ध्यान नहीं करते हो तो ब्रह्म विद्या समझना संभव नहीं, तो कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन ध्यान से अलग रहकर समझा ही नहीं जा सकता। माई डिवाइन एंड योर डिवाइन कुछ नहीं होता, बस डिवाइन होता है। आई एम फीलिंग डिवाइन, ये अफर्मेशन होना चाहिए। 818 ये श्लोक को आप हाईलाइट करके रखें, और अव्यक्त से भी परम जो अव्यक्त है, अव्यक्त से भी जो परम अव्यक्त है,
जो सनातन है उसको हम उसके प्रति हम जाने। हाईलाइट अपने पास आप येलो कलर का हाईलाइटर रखा करें और जो जो मुख्य श्लोक या मुख्य शब्द आते हैं भगवद गीता में उसको हाईलाइट कर लिया करें। यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रीन पर जो ऐसे हाईलाइट क्या हुआ है, परम तस्मात तू भाव, तो परम भाव ये दो सेंटेंस दो वर्ड और फिर अव्यक्त से भी जो अन्य अव्यक्त है जो सनातन है वो भाव। ध्यान में अपने ध्यान अभ्यास में साधना में हम इसको महसूस कर सके, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा बेटा ध्यान करने लग जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, इस तरह की ट्रिवियल चीजों में मत जाएं। अगर आपका ध्यान अच्छा है, आपके नाड़ी मंडल में ऊर्जा प्रचुर मात्रा में बह रही है, स्वास्थ्य तो लौटेगा ही। अगर आप परम के भाव में हैं, जो भी आप के लिए जो आप सोचेंगे चाहेंगे वो आपके जीवन में तो आ ही जाएगा। डिजायर के लिए मेडिटेशन करने से ज्यादा अच्छा है कि जो परम है उसके लिए मेडिटेशन हो। ज्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली ध्यान में कुछ पाने या चाहने के लिए ही आते हैं, मुझे ये मिल जाए, मैं ये पालू, मेरा ये ठीक हो जाए। लेकिन ध्यान के लिए तो ध्यान के लिए ध्यान हो, परम के लिए ध्यान हो, परम भाव के लिए ध्यान हो, सनातन भाव के लिए ध्यान हो, अव्यक्त से अन्य अव्यक्त जो है उसके लिए ध्यान हो। जीवन में अगर ये आपकी आपका एटीट्यूड हो तो याद रखिएगा मेरे शब्द को, भगवत्ता कोई दूर नहीं है। इट्स नॉट द मैटर ऑफ टाइम, इट्स मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सालों साल लगाकर भी आप अव्यक्त में एस्ट्रल में रह सकते हैं और अव्यक्त से भी अन्य अव्यक्त जो है वो समझ में आ गए, सनातन में उतर गए, उसको जीते हुए अपने धर्म को निभाते हुए इस सृष्टि चक्र में अपना रोल दे सकते हैं। यू कैन थ्राइव, यू कैन मेक दिस अर्थ टू थ्राइव, यू कैन मेक दिस कॉस्मोस टू थ्राइव। हम जागे, आज का फॉर्मेशन हम लेंगे, पहले हम ऊपर का सेंटेंस 8:20 का जो ऊपर का सेंटेंस है उसको हम पहले पढ़ेंगे। संधि विच्छेद वाला मैंने खोला हुआ है, परह तस्मात तू भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। ये जो अगर आप उच्चारण देखते होंगे जो मैं भी प्ले करता हूँ, दो ब्लॉक किया जाता है, पहले 4-5 शब्दों का एक ब्लॉक है फिर बाद का दो ब्लॉक है। तो यहाँ पर परह तस्मात तू भावः अन्यः ये एक ब्लॉक है, फिर अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः ये दूसरा ब्लॉक। तो पहले हम इतना पढ़े, परह तस्मात् तू भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। चलिए मैं उच्चारण भी हम एक बार फिर से सुन लेते हैं 8:20 का, ताकि हमको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है उच्चारण से। लेकिन ठीक है, उच्चारण भी ठीक हो, जहां तक ठीक हो सके उतना ठीक हो तो अच्छी बात है। तो
तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सरागमे परस्तस्मात् तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः परस्तमास्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः परस्तमस्तातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः। संधि विच्छेद वाला हम देखते हुए पढ़े, आपको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न पीन अब इसके हिंदी मीनिंग को हम दोहराएं और अपने भीतर उतरने दें। अव्यक्त से भी परम जो सनातन अव्यक्त है उस भाव में हम जागे, जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म जगत है उससे भी जो परम, उससे भी जो ऊपर, जो इटर्नल कॉन्शसनेस है, इटर्नल ब्रह्म, हम उस अव्यक्त को जाने। हम अपने जीवन में अगर प्रार्थना करते भी हैं तो बस यही प्रार्थना हमारे जीवन में बस एक है। Only one prayer is needed. Hey divine, may I feel that सनातन ब्रह्म जो अव्यक्त से भी ऊपर अव्यक्त है। मैं सनातन ब्रह्म के प्रति जाग रहा हूं, ये affirmation हम लेंगे। मैं सनातन ब्रह्म के प्रति जाग रहा हूँ। मैं सनातन ब्रह्म के प्रति जाग रही हूँ। ब्रह्म के प्रति जाग रही ब्रह्म के प्रति जाग रही।